राधे राधे बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कल तक हमने कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 27वीं तक का श्रवण किया था, जिसमें हमने कथा सुनी थी कि श्रद्धा एवं प्रेम रूपी जो भक्ति होती है वो हम ठाकुर जी के सामने कितना भी धन अर्पण कर दें, लेकिन यदि भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो ठाकुर जी उस धन को भी स्वीकार नहीं करते, मणियों को भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन थोड़ी सी भी श्रद्धा है भक्ति में तो ठाकुर जी सहज कृपा करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हम अध्याय 28वीं का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले श्री बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर माथा टेकते हैं। नमः कुंज बिहारिणे, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाले और पात पात श्री राधे राधे होई। वृंदावन बानिक बनो, भ्रमर करें गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हे नंद कुमार। धन वृंदावन धाम है, धन वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जो सुमिरे श्यामा श्याम। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावने और मधुपुरी बरसाना नंद गाँव। ब्रज समुद्र मथुरा कमल, ब्रज समुद्र मथुरा कमल, वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब पुष्प हैं, गोकुल मधुकर चंद। अब श्री यमुना जी के दर्शन करें। बोलिए श्री यमुना महारानी की जय। और तुलसा महारानी जी के भी दर्शन करते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में तुलसा जी के, यमुना जी के और चौखट के तो हम दर्शन कर ही रहे हैं, बांके बिहारी जी के, इन सब का विशेष महत्व है। बोलिए तुलसा महारानी की जय। अब 28वां अध्याय आरंभ करते हैं, प्रेम से सुनिए। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवगण, जय और विजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा, प्राचीन काल में तृणबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी भी हुए। जय और अजय दोनों ही भगवान विष्णु के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे और भगवान विष्णु का व्रत करते थे। भगवान भी इन दोनों भइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के निमंत्रण पर देवर्षि नारद गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उस यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दक्षिणा लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में वापस आए। धन का बंटवारा करते समय दोनों भाइयों का आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन के 2 बराबर बराबर भाग होने चाहिए। अजय ने कहा, नहीं, जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है।
तब जय ने क्रोध में भरकर अजय को श्राप दिया, तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया और जय को श्राप दिया, तू अभिमानी है इसलिए तू हाथी हो जा। और जब नियम पूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए, तो दोनों ने भगवान से श्राप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा, हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा सागर, श्राप से हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी भी कभी असत्य ना होगी, यमराज भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने पर स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10 अवतार लेने पड़े थे। अतएव तुम दोनों अपने श्रापों को भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब वे दोनों गंडकी नदी के किनारे मगर और हाथी हुए। जाति स्मरण रहने के कारण इस योनि में भी भगवान विष्णु का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को वह हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का श्राप स्मरण करके मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ के पकड़े हुए हाथी ने भी भगवान विष्णु का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों मगर और हाथी का उद्धार किया और उन दोनों को अपने जैसा रूप देकर भगवान उन्हें बैकुंठ में ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से वहां के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों भी जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे विप्र, आपने भगवान विष्णु के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था, उसका विस्तृत उत्तर मैंने दे दिया। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग कर नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव को श्रम दृष्टि से देखो। तुला मकर और मेष की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान किया करो, एकादशी व्रत किया करो, तुलसी वन की रक्षा किया करो, गौ ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर कांची बैगन के साग का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे धर्मदत्त, ऐसा कहने पर तुम शरीर त्याग के पश्चात हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला तीर्थ दान और यज्ञ दूसरा कोई और नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है और जिसका आधा फल तुमने इस कला को दिया है, उसके फल स्वरूप हम कला को बैकुंठ में लिए जा रहे हैं। नारद जी ने राजा प्रतु से कहा, राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कला को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले गए। धर्मदत्त भी उनके आदेश अनुसार भगवान विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया और फिर जब उसका देहांत हुआ तो अपनी दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक को गया। हे राजन, जो कोई भी प्राचीन काल के इस इतिहास को सुनता है और सुनाता है, वह अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। आज हमने जय और विजय इन दोनों के पूर्व जन्म की कथा सुनी, जो मगर और हाथी योनि में जन्म लेकर आए थे और कैसे फिर भगवान के द्वारपाल बने। बहुत सुंदर कथा थी आज की, और जो इस कथा को सुनता है उसको भी असीम कृपा ठाकुर जी की प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त होती है। इस कथा का भी बहुत सुंदर फल मिलता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक करें। श्री बांके बिहारी जी की कृपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।